फ्रेंड्स, अगर आपके पास मोटोरोला एज 50 फ्यूजन फ़ोन है तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस फ़ोन में जब आप नया फ़ोन लाते हैं तो उसमें सबसे पहले आप पैटर्न लॉक लगाते हैं तो उसे कैसे लगा सकते हैं पैटर्न लॉक को, या फिर कैसे आप चेंज कर सकते हैं अगर आपने लगा लिया है, उसे चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिवाइस अनलॉक, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। फिर आपको क्या करना है, स्क्रीन लॉक को लगाना है तो स्क्रीन लॉक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए अभी पैटर्न दिख रहा है तो हम पैटर्न डालना चाह रहे हैं। यहाँ पर पिन स्वाइप पासवर्ड कुछ भी आप डाल सकते हैं, हम पैटर्न बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर पैटर्न पर क्लिक करेंगे, जो पैटर्न आप डालना चाहते हैं उसे ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और दोबारा पैटर्न वही डाल देंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आप लॉक होने के बाद नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं या नहीं। अगर आप चाहते हैं तो आप शो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप डोंट शो पर क्लिक करके और यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो स्क्रीन लॉक है वो बटन लॉक वो लग चुका है। अब अगर आपको मान लीजिए आपके स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, आप चेंज करना चाहते हैं, तो फिर से आप स्क्रीन लॉक पर क्लिक करेंगे, जो पैटर्न आप पहले से डाले हुए हैं वो पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपको जो बदलना है वो यहाँ पर पैटर्न पर क्लिक करके आप बदल सकते हैं, दो बार डालेंगे वो आपका पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल प्ले कर लीजिएगा।